more comfortable with being comfortable. I'm trying to do the unthinkable. I'd rather die than be stuck in a cubicle. I'd rather spend my whole life in the studio. Practice my swing, I've been working on hits. Hello, good morning everybody. So today we talk about how to bed footed for edit for like a pro. आप कहीं पे आप footage shoot करने गए हो और वहाँ पे कुछ lighting के कारण, कुछ atmospheres के कारण आपका कुछ footage अच्छी नहीं आई हो, या कुछ आप कैमरे में कुछ setting करना रह गया हो और आपकी footage नहीं आई हो, और वो आपको एक ही चांस मिल रहा था footage कैप्चर करने का. अगर जो आप freelancer काम करते हो और freelancer में आप कोई ज़्यादातर freelancer में ऐसा ज़्यादातर होता है कि कोई आपको बैड footage देता है, जैसे कि वो footage अच्छी शूट की हुई नहीं होती है और आपको एडिटिंग में उसका वाव मोमेंट लाना है. सो ये वीडियो में ऐसे मैंने दो एड बनाई हुए जिसका जो मैंने freelancer जो भी काम किया हुआ है वो थोड़ा बैड footage पे है और थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का footage नहीं है, थोड़ा ब्लरी है, थोड़ा हिला हुआ है. तो मैंने दो टाइप की एड मैंने ऐसी अभी बनाई हुई जो इस वीडियो में मैं प्ले करके दिखाऊंगा और उसको कैसे एडिट किया है और कैसे उसकी रो फुटेज है, कैसी ब्लर है, कैसे थोड़ी हिली हुई है, उसको हम कैसे थोड़ी एडजस्ट करके थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा प्रो टाइप का दिखा सकते हैं और थोड़ा उसका एडिटिंग का थोड़ा क्रिएटिव करके उसको एज अ प्रेजेंट कर सकते हैं. सो आप ये वीडियो एंड तक देखिए तो यहाँ पे आपको पूरा लर्न करने को मिलेगा और लास्ट में मैं ये वीडियो का पूरा एडिटिंग की टाइमलाइन साथ पूरा वीडियो भी आपको दिखा दूंगा, सो आप वहीं से भी सीख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. तो ऐसे बैड फुटेज को अगर जो एडिटिंग में बनाना तो उसकी कुछ विजुलाइज की कुछ टिप्स होती है वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि वो आप कैसे बना सकते हो, कैसे उसका कुछ एलिमेंट कुछ बाहर से कुछ यूज, जैसे वो कुछ कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एडिटिंग में ऐसा विजुलाइज जैसे कलर करेक्शन से लेके सब कुछ, वो छोटे बड़े वो कुछ एलिमेंट होते हैं जो ग्रीन स्क्रीन के एलिमेंट होते हैं, कुछ PNG यूज करके आप वो फुटेज को किसी तरह आप अट्रैक्टिव बना सकते हो. जैसे मेरी फ्रीलांसर की एड है तो उसकी फुटेज थोड़ी प्रोफेशनल नहीं है, तो उसको हम एडिटिंग में कैसे प्रोफेशनल बना सकते हैं और कैसे उसका थोड़ा बारीकी से एडिटिंग अच्छा कर सकते हैं, तो उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि वो लाइक अ प्रो शूट की हुई है. वो उस एड की हम रो फुटेज दिखाते हैं, जैसे कि ये रो फुटेज ऐसे शूट की हुई थी और उसको एडिटिंग करके उसको थोड़ा एलिमेंट देके थोड़ा वाव मोमेंट देके थोड़ी ट्राई किया हुआ है जैसे कि कुछ अच्छा लग सके. जो एड ये जो मैंने एडिट की हुई है उसका रो फुटेज पे काम करते हैं. एडिटिंग तो अगर जो आप प्रोफेशनल हो आपको पता लग गया होगा कि कैसे एडिट किया हुआ है, तो उसके कुछ रो फुटेज पे हम काम करते हैं कि उसको रो फुटेज कैसी थी और उसको हमने कैसे एज अ प्रेजेंट किया है. सो जैसे कि आपने देखा ये एड में थोड़ा मैंने कार्टून इस थोड़ा फनी मूवमेंट डाली है, तो कार्टून जैसे थोड़ी एड दिखाने की कोशिश की हुई है जैसे कि कुछ अच्छी लग सके, कुछ वाव मूवमेंट आ सके. और इसलिए मैंने उसका नीचे जो हर फुटेज के नीचे एक कलर मेट रखा हुआ है, जैसे कि कलर मेट का काम वो है कि जो फुटेज के बैकग्राउंड में जो कलर होता है, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड कलर में काफ़ी मैं लाइट पिंक यूज़ किया हुआ है, थोड़ा लाइट ब्लू यूज़ किया हुआ है, वो ऐसे ही आप थोड़ा कूल कलर सेलेक्ट कीजिए. जैसे कि ये एड की USB वो है कि थोड़ा फनी दिखना है, जैसे कि ठीक से किया है इसलिए थोड़ा फनी दिखाने के लिए हम इसलिए ऐसे कूल कलर थोड़े यूज कर रहे हैं. आप वो डार्क ब्लैक कॉन्ट्रास्ट कलर यूज मत कीजिए, वो कलर ये फनी साथ मैच नहीं होता है. तो जो फनी जो विजुलाइज होता है जो फनी होता है इसलिए आप थोड़ा लाइट ब्लू लाइट येलो लाइट स्काई ब्लू उस टाइप के कलर यूज कीजिए ताकि आपकी पूरी ये थोड़ी फनी और थोड़ी कूल दिख सके. जैसे कि मैंने बोला ये वीडियो के एंड में मैं पूरी लास्ट वीडियो पूरी नीचे टाइमलाइन साथ रख दूंगा ताकि आपको टाइमलाइन भी दिख सके, आप वीडियो भी लर्न कर सको और उसमें कौन सी चीज़ मैंने कैसे यूज़ की है वो भी आप देख लो. एंड में मैं ये पूरा वीडियो पूरा टाइमलाइन साथ नीचे एज अ प्रेजेंट करके रख दूंगा. ऐसे एडिटिंग में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, अगर जो आप एडिटर हो आपको पता लग गया होगा. सो मेरा कहने का ये मतलब था कि आप ऐसे फुटेज को कैसे आप प्रिपेयर करके ऐसे थोड़ी प्रो टाइप की एड बना सकते हो. हम पहले थोड़ा ये रो फुटेज पे काम कर लेते हैं, जैसे कि इसकी रो फुटेज हम देख लेते हैं. जैसे कि ये शॉट है, इसके ये शॉट थोड़ा ब्लर है और थोड़ा हिल रहा है और थोड़ा इसमें इतना कलर भी नहीं आ रहा है और उसको थोड़ा कलर करेक्शन में ध्यान रखना पड़ता है. थोड़ा जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बनाया कलर करेक्शन, जो मैंने एक प्रोडक्ट शूट बनाया था उसमें मैंने पूरी डिटेल पूरा कैसा प्रोडक्ट शूट किया है उसका पूरा बिहाइंड द सीन साथ मैंने शॉट रखा हुआ है. तो मेरा प्रीवियस वीडियो आपने थोड़ा पसंद भी अच्छा किया हुआ है, सो आप चाहते हो तो ये आई बटन पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो. और उसमें मैंने थोड़ा कलर करेक्शन लेके बिहाइंड द सीन पूरी A to Z डिटेल साथ मैंने दिखाया हुआ है, जैसे एडिटिंग का ब्रेकडाउन और बिहाइंड द सीन साथ. ओके, तो आप वो भी देख सकते हो. और ये फुटेज जैसे ऐसे ली हुई है जैसे कि उसका कलर भी ब्लर है, उसका कुछ कलर भी नहीं आ रहा है और पूरी फुटेज थोड़ी हिली हुई है,
जैसे कोई स्टेबलाइज फुटेज नहीं है, तो स्टेबलाइज फुटेज नहीं हो और उसमें आप अगर ये हिली हुई फुटेज पे अगर जो आप स्टेबलाइजर डालते हो तो पूरा फुटेज आपका वेव की तरह दिखेगा, ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उसी चीज़ को आप स्क्रीन में छोटा छोटा लगा के और थोड़ा ऐसे एलिमेंट यूज़ करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस तरह देख लीजिए, इस तरह की फुटेज होती है जो थोड़ी हिली हुई होती है, थोड़ा उसका कलर सेचुरेट डाउन होता है और थोड़ा प्रोफेशनल ना होने के कारण थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम होता है, खास करके उसका स्क्रीनिंग छोटा होता है। और ये फुटेज जो भी कोई अनप्रोफेशनल बंदा शूट करेगा उसको फ्रेम साइज का भी थोड़ा नॉलेज कम रहता है, इसलिए वो इस तरह भी शूट कर लेता है। जैसे कि ये एड सिर्फ सोशल मीडिया पर रन करने के लिए थी, इसलिए ये साइज चल जाती है, वरना ज़्यादातर ये साइज की आप बड़े स्क्रीन पर अगर रखोगे तो ये साइज भी नहीं चलती है। इसीलिए आप इस तरह की जो फुटेज आती है तो आप इस तरह एलिमेंट यूज करके और थोड़ा उसको और एडिटिंग करके थोड़ा ये कॉमर्शियल को थोड़ा और अच्छे से और थोड़ा बेहतर बना सकते हो। और वैसे आप कोई जगह पे बाहर गए हो जहाँ पे ज्यादा सनलाइट हो, आपको कैमरा की स्क्रीनिंग नहीं दिखाई दे रही हो और फोकसिंग का प्रॉब्लम हो, आप कुछ भी शूट करके लाते हो और कुछ अच्छा शूट करके लाते हो और यहाँ के फुटेज स्क्रीन में देखते हो तो थोड़ा फोकसिंग का प्रॉब्लम रहता है, कुछ ज्यादा एक्सपोज हो जाता है, कुछ ज्यादा हिला हुआ होता है, कि कुछ कुछ ब्लर भी होता है, तो आप इस तरह एडिट करके थोड़ा उसको वाव मोमेंट दे सकते हो और आपकी फुटेज अच्छे से और बेहतर और थोड़ा प्रोफेशनल बना सकते हो। और एग्जैक्टली इसी तरह की डिप्टो मैंने दूसरी एड भी मेरे पास फ्रीलांसर में आई हुई थी, वो भी आप देख लो। वो एड भी डिप्टो टू डिप्टो ऐसे ही फुटेज थे और उसका भी साइज भी यही था और ब्लरिंग का प्रॉब्लम था और वो भी हिली हुई थी, जैसे वो मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो दिखाया और वही शूट है, मतलब ये थोड़ा अलग फुट की शूट है। तो सब कुछ यही है, ये फ्रीलांसर में ज्यादातर ऐसा प्रॉब्लम होता है, सिर्फ फुटेज का ही प्रॉब्लम है, जो फुटेज थोड़ी हिली हुई है और थोड़ा सेचुरेशन डाउन है और थोड़ा ब्लरिंग का प्रॉब्लम है और साइज में छोटी है, तो उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। ये जो सेकंड एड है वो आप पहले देख लीजिए। तो इस तरह आप देख सकते हो कि ये फुटेज में मैंने किस तरह डबल स्क्रीनिंग यूज़ की है, और डबल स्क्रीन के लिए मैंने छोटा सा कार्टून टाइप यूज़ किया हुआ है, ये एडिटिंग में थोड़ा वाव मोमेंट आया और थोड़ा फोकस रहे, जैसे कि वाव का एलिमेंट, लो का एलिमेंट वो ज़्यादा तक यूज़ किया हुआ है, जैसे कि तो इसलिए वो यूज़ किया हुआ है कि व्यूअर का ध्यान थोड़ा माइनर उस पर चला जाए तो हमारी फुटेज रिकवर हो जाए। जो भी ये व्यूअर जो ऐड देख रहा है उसका थोड़ा ध्यान उसमें जाएगा तो हमारी जो बैड फुटेज है उसका लेवल कम हो जाएगा और वो जल किसी के नज़र में नहीं आएगी। इस तरह छुपाने के लिए इस तरह की ट्रिक यूज़ की जाती है और यही वो डबल शॉट मैंने लिया हुआ है, जैसे उस पर मिरर डाल के ताकि वो मिरर हो गया और उसको दो साइड इस तरह थोड़ा ट्रिक यूज़ करके आप थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आई होप कि आपको इस ऐड से थोड़ा लर्न करना मिला हो और आप भी अपनी बैड फुटेज को कैसे एडिटिंग में कैसे अपनी क्रिएटिविटी से थोड़ा प्रोफेशनल और थोड़ा प्रो टाइप बना सकते हो। तो फर्स्ट जो ऐड की हुई थी उसका आप नीचे टाइमलाइन सेट पूरा एडिट और कैसे एडिट किया था और पूरा टाइमलाइन सेट आप देख लीजिए। और इसी तरह और यही फुटेज और यही टाइमलाइन सेट मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करी हुई है, वहाँ पे मैं काफी सारी छोटी बड़ी फिल्मिंग की टिप्स अपलोड करता रहता हूँ, सो आप वो भी देख सकते हो। और यही ऐड मैंने वहाँ पे भी डाली हुई है, सो इजी और फास्ट लर्न कर सकते हो और थोड़ा डिटेलिंग में लर्न करना हो जैसे कि आप देख ही रहे हो और वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, तो ताकि आप इजी और थोड़ा फास्ट लर्न कर सकते हो। और वहाँ पे मैं काफी ऐसी छोटी बड़ी टिप्स और बिहाइंड द सीन और ऐसी बी रोल के टिप्स और ऐसी टाइमलाइन वाली टिप्स और एसएफएक्स वाली टिप्स, जैसे कि ऐड में काफी सारा एसएफएक्स कैसे यूज किया हुआ है, वो सारी मैंने टिप्स वहाँ पे डाली हुई है, तो वहाँ से भी आप इजी और फास्ट लर्न कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप कि इफ यू फॉर लाइक फॉर दिस वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट बी रोल में, नेक्स्ट सिनेमेटिक बी रोल है वो भी फूड का ही है, सो कल से शूट कर लेते हैं और एडिट कर लेते हैं और बिहाइंड द सीन बना लेते हैं और एडिटिंग ब्रेकडाउन कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट बी रोल में। और हाँ, ये मैं लास्ट में रख देता हूँ पूरे टाइमलाइन के साथ और पूरे एडिटिंग के साथ, तो आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, एंड बूम।